हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने वाली हूँ, वो है द पॉजिटिव रूट थेरेपी ऑनियन ऑयल एडवांस। तो अगर आप लोग मेरे जैसे हेयर लॉस और थिनिंग ऑफ हेयर से परेशान हो गए हैं देन ये वीडियो आप लोगों के लिए है। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। So this is the actual product. ये कोई normal hair oil नहीं है. It contains onion oil और साथ ही में 18 essential oils भी contain करता है। और सिर्फ यही नहीं, ये 37 different herbs भी contain करता है। सो इससे ये पता चल जाता है ये प्रोडक्ट एकदम नेचुरल है और कोई केमिकल्स कंटेन नहीं करता है। इसका प्राइस है ₹9.99 और ये आप लोगों को इजीली फ्लिपकार्ट अमेज़न में मिल जाएगा और अभी अमेज़न में काफ़ी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप लोगों को ये काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा। तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। तो मैंने जैसे बोला ये प्रोडक्ट ऑनियन ऑयल कंटेन करता है। ऑनियन बेसिकली सल्फर कंटेन करता है जो ब्रेकेज, देन स्प्लिटेंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थिनिंग ऑफ हेयर को प्रिवेंट करता है। ऑनियन ऑयल हमारे जो नेचुरल pH लेवल है उसको भी मेंटेन करता है और साथ ही में ग्रेइंग ऑफ हेयर को भी प्रिवेंट करता है। अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, ये हेयर को वॉल्यूम देता है। नंबर 2, हेयर लॉस को स्टॉप करता है और उसको प्रिवेंट करता है। नंबर 3, हेयर को ग्रे होने से भी प्रिवेंट करता है। एंड लास्टली हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है टू गिव दैट हेल्दी लुकिंग हेयर और हेयर्स को एक शाइन भी देता है। ये प्रोडक्ट मैं लास्ट 1 मंथ से रेगुलरली यूज़ कर रही हूँ एंड आई कैन सी सम जेन्युइन रिजल्ट। अब देख लेते हैं ये प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करते हैं। आज पहला दिन है व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस हेयर ऑयल। मैंने 2 से 3 पंप लिया एंड स्लोली अप्लाई करना स्टार्ट किया। आफ्टर दैट मैंने ऑयल को रब किया अपने पाम्स के बीच में जस्ट टू मेक इट लिटिल वार्म and again started applying it. मैंने इस हेयर ऑयल को बहुत अच्छे से और काफ़ी टाइम लेके मसाज भी किया and it was so calming. Today is the 2nd week and continuously 1 week मैंने ये हेयर ऑयल अप्लाई किया and अभी तक मुझे वैसा कोई रिजल्ट नहीं मिला। But what I liked about this hair oil is that ये एकदम भी greasy नहीं है बाकी hair oils की तरह। This is the 3rd week and now I could see some results. जैसे मेरा hair fall rate बहुत कम गया है, hair काफ़ी shiny और healthy दिख रहा है। ये हेयर ऑयल का जो स्मेल है वो एकदम भी स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड काफ़ी माइल्ड और अच्छा स्मेल है। आफ्टर अप्लाइंग द ऑयल मैं जनरली इसको ½ से 1 आवर तक रखती हूँ सो दैट मेरे स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। आप लोग चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं एंड नेक्स्ट डे हेयर वॉश कर सकते हैं। अब मैं कंघी की मदद से अपने बालों को सुलझा लेती हूँ सो दैट ये हेयर ऑयल मेरे पूरे स्कैल्प में अच्छे से स्प्रेड हो जाए। एंड दिस इज़ द लास्ट वीक एंड बाय नाउ मेरा हेयर फॉल रेट बहुत रिड्यूस हो चुका है। कंघी करने से 3 या 4 ही हेयर आते हैं। ये हेयर ऑयल को कंटिन्यूसली एवरी डे लगाने के बाद आई कुड फील मेरा हेयर काफ़ी वॉल्यूमिनस हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। Today is the final day and I just wanted to show you how my hair is looking currently. I have washed my hair and dried it. Now, look at my hair guys. It looks so gorgeous and so healthy looking. I am so impressed by this product. It has definitely reduced my hair fall rate and now let me show you. I mean not a single hair fall. Isn't it great? Wow, I am so impressed. And that's it guys, I hope you liked it. If you did, then don't forget to hit that like button and also don't forget to subscribe to my channel. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye-bye. Bye.